मेरा नया चैनल है यार, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करना। कुछ नई बाइक्स उन्होंने दिखाई है जो मैंने भी अभी तक नहीं दिखाई। ओरिजिनल कार्बन फाइबर का ये पार्ट सिर्फ 6 लाख रुपए का, इसमें ये 2.5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ और इसकी डिमांड जो है कावासाकी वेस्ट दिल्ली पे इसकी डिमांड है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूं निशित और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जहां आज मैं आया हूं कावासाकी वेस्ट दिल्ली के डीलरशिप पे और अगले कुछ मिनट बात करेंगे कावासाकी के प्रियोन स्टॉक के बारे में। कुछ बाइकें आपको मेरे पीछे यहां पे दिख रही होंगी, इनकी डिटेल जानेंगे, कितनी ज़्यादा दमदार हैं ये बाइकें, इसकी सारी डिटेल जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप कुछ अभी सिनेमेटिक शॉट्स देखिए, उसके बाद एक एक करके डिटेल जानेंगे इन बाइक्स की। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बाइक से, और ये बाइक है कावासाकी ZX10R निंजा 2020 वेरिएंट है ये। और बाइक के डिटेल्स एक बार आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बाइक के डिटेल आपके यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। UP32 रजिस्ट्रेशन नंबर है इस बाइक का, UP32 यानी लखनऊ रजिस्ट्रेशन है ये बाइक। और बाइक की एक बार डिटेल्स साइड में से भी देख लीजिए, हनीकॉम एडिशन है ये बाइक। साइलेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें स्टॉक साइलेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्रिप जो है वहाँ टैंक पैड पे आप देख सकते हैं थाई के लिए। साथ ही साथ नीचे की तरफ देखेंगे तो थोड़े से स्टिकर यहाँ पे आपको देखने को नज़र आने वाले हैं। कावासाकी रेसिंग टीम का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। सिटिंग काउल पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, 1000 की बैजिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। बाइक की कंडीशन की बात करें तो एकदम न्यूली कंडीशन ये बाइक है, आप एक बार यहाँ से भी देख लीजिए। बाइक की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ बात करें इसके किलोमीटर की तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा मीटर ऑन करके। ये मैंने इसका मीटर कर दिया है ऑन। और बाइक के किलोमीटर की बात करें तो सिर्फ 8519 किलोमीटर जो है ये बाइक चली हुई है। और इसकी डिमांड जो है कावासाकी वेस्ट दिल्ली पे इसकी डिमांड है 14 लाख रुपये की। 14 लाख ये बाइक जो है वो कावासाकी वेस्ट दिल्ली जो है वो डिमांड कर रहा है, ZX10R 2020 एडिशन। दूसरी बाइक की तरफ आ गए हैं और दूसरी बाइक है कावासाकी Z800 नेकेड मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। डिटेल्स एक बार आप देख लीजिए कि कैसी है, न्यूली कंडीशन की बाइक लग रही है। लेकिन हालांकि ये सेकंड ओनर ये बाइक है Z800 यहाँ पे आपको दिख रही है। साइलेंसर जो है वो उसमें आफ्टर मार्केट जो है वो लगाया गया है। डिटेल्स एक बार जो है मैं पीछे से भी दिखा दूंगा, तो बताइए बाइक आपको कैसी लग रही है। और इसके टैंक की बात करें तो टैंक में यहाँ पे आपको मरून कलर का जो टैंक है वो लगाया गया है, बहुत ही ज़्यादा दिखने में शानदार लग रहा है। सेकेंड ओनर ये बाइक है, इसकी जो डिमांड है कावासाकी वेस्ट दिल्ली पर वो है 6,20,000 रुपये। अगली बाइक की तरफ चलते हैं और अगली बाइक है कावासाकी ZX6R। देख सकते हैं आप कितनी न्यूली कंडीशन दिखने में ये भी बाइक लग रही है। सामने से बात करें तो यहाँ पे आपको कावासाकी का लोगो सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स एक बार आप साइड से देख लीजिए, मैं आपको दिखा निंजा का बैच जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें इसके टैंक की, जो टैंक एकदम न्यूली कंडीशन का है, टैंक पैड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ बात करें बाइक के पीछे के लुक की तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, और आफ्टर मार्केट साइलेंसर जो है वो इसमें भी इंस्टॉल किया गया है। टैंक पे यहाँ पे आपको टैंक पैड जो है वो यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। बाइक के वेरिएंट की अगर बात करें तो ये 2019 मॉडल है और इसकी जो डिमांड है कावासाकी वेस्ट दिल्ली पे वो रखी गई है 9,85,000 रुपये। एक बार इसका मीटर ऑन करके देख लेते हैं कि ये कितनी चली हुई है। ये चली हुई है 1,687 किलोमीटर। जी हाँ, बहुत ही लेस ड्रिवन ये बाइक है। आप देख सकते हैं इसकी डिटेल आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। प्राइस आपको यहाँ पे कैसे लग रहे हैं, कम है, ज़्यादा है, ओवर प्राइस हैं, तो ये भी आप कमेंट में जाके बता सकते हैं।
कावासाकी निंजा 1000 ग्रीन। बाइक की डिटेल्स एक बार आप देख लीजिए कैसी लग रही है आपको ये बाइक दिखने में। स्टॉक एग्जॉस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। साथ ही साथ बात करें टैंक की, तो टैंक पे यहाँ पे आपको टैंक पैड नज़र आने वाला है। ये जो बाइक है वो डबल सीटर है, ZX6R थी वो सिंगल सीटर थी काउल के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको दो बंदों के बैठने की जगह जो है वो देखने को मिलने वाली है। डिटेल्स एक बार आप देख लीजिए, डिटेल्स आपको कैसी लगी बाइक की, लुक आपको बाइक का कैसा लग रहा है निंजा 1000R का। एक प्री ऑन बाइक आप लेने का अगर प्लान कर रहे हैं तो विजिट कर सकते हैं कावासाकी वेस्ट दिल्ली, आप आके एक बार यहाँ पे इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें इसके आस्किंग प्राइस की, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये जो बाइक है निंजा 1000 ग्रीन, ये है 2018 मॉडल और इसके आस्किंग प्राइस है यहाँ पे 8,20,000 रुपये। तो बताइए आपको कैसी लगी निंजा 1000 और इसके आस्किंग प्राइस जो है वो कावासाकी निंजा पे वो आपको कितने ज़्यादा रिलायबल लगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय भी दे सकते हैं। सो अब लास्ट बाइक की तरफ चलते हैं, और लास्ट बाइक है कावासाकी निंजा की H2 फास्टेस्ट रोड लीगल बाइक इन इंडिया। एम आई राइट हर्ष भाई? करेक्ट भाई, करेक्ट। वीडियो की डिटेल ये बताएंगे भैया, इसमें हर्ष भैया बताने वाले हैं। हर्ष भैया को आप सब जानते हैं, हर्ष भैया फेमस यूट्यूबर हैं। हर्ष भैया पहली बार तो यार ये बाइक बिक चुकी है, बट फिर भी अगर आपको इस बाइक के बारे में पता करना है तो दिस इज 2020 मॉडल H2 कार्बन, नॉट H2। हाँ, ये H2 कार्बन है जो कि 4-5 लाख रुपये महंगी होती है नॉर्मल H2 से। ये कितना फ़र्क है H2 कार्बन में और H2 कार्बन में? 5-6 लाख रुपये का फ़र्क है, वो बस इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगे होते हैं कुछ, जो इसका मेन हेड है ना वो कार्बन फाइबर है ये पूरा। ओके, ओरिजिनल कार्बन फाइबर का ये पार्ट सिर्फ 6 लाख रुपये का है। ये फ्रंट का पार्ट सिर्फ ये पार्ट 6 लाख रुपये का, ये महंगी है रेगुलर H2 से। करेक्ट, तो अभी ये सोल्ड आउट हो चुकी है एंड बस क्या ही बताएं इस बाइक के बारे में। ये मतलब बहुत रेयर बाइक्स आपको मिलेंगी H2 अगर आप इंडिया में चेक करोगे तो। कम से कम आप टिप्स भी देख लो कि कौन कौन है जो इसके कस्टमर्स हैं जो फेमस हैं, या जो लेता है वो फेमस हो ही जाता है ऑलरेडी। तो एक बार इसकी आवाज़ सुना देते हैं आपको, एक बार इसकी आवाज़ सुनाते हैं। बॉक्स का साइलेंसर जो है वो यहाँ पे आपको, इसमें ये 2.5 लाख रुपये का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है जो कि अगेन H2 के लिए एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट में से एक है। बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है, मैंने नहीं सुना भैया इससे बहुत लाउड है। सो कैसी लगी आपको H2? सोल्ड हो चुकी है लेकिन फिर भी वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इंडिया में। हर्ष भैया, हाँ जी भाई, क्या तो भाई का नया चैनल है यार, सब्सक्राइब करो भाई, अभी पहली बार आया है यहाँ पे शोरूम में, वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। कुछ नई बाइक्स उन्होंने दिखाई हैं जो मैंने भी अभी तक नहीं दिखाई, जैसे कि Z800 और ZX10R। तो अगर आपको ये बाइक्स पसंद आएंगी तो शोरूम पे आना और भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो भाई, मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू। तो ये थे हर्ष भैया, वीडियो आपको कैसा लगा, इनकी सारी बाइक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनसाइड गियर को बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Inside Gear.